इसके पहले हम लोग अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व का अध्ययन कर चुके हैं और उस वक्र में हमने देखा है, जैसा कि चित्र में हम यहाँ देख रहे हैं, ये वक्र जो है जिस पर आई सी लिखा हुआ है ये अनधिमान वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है। और इसकी ये विशेषता होती है कि ये दो वस्तुओं वाई, जैसे एक्स अक्ष पर एक वस्तु दिखाई गई एक्स वस्तु और वाई अक्ष पर दूसरी वस्तु दिखाई गई है वाई वस्तु, ये अनधिमान वक्र इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है और जितने भी संयोग इस वक्र पर होते हैं एक्स और वाई के, सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और इसी भी हम लोग कहते थे कि अगर अनधिमान वक्र वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान है और इसीलिए उपभोक्ता उनके प्रति तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है, अपनी अधिमानता व्यक्त करने में असमर्थ होता है। अब यहाँ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यदि हम अनधिमान वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएं, जैसा कि हमारे इस वक्र में ए बिंदु है और बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु, हमने चार बिंदु या चार संयोग एक्स और वाई के लिए हैं, ए बिंदु पर एक संयोग है, देखिए कि उसका नामकरण यहाँ किया जा सकता है वाई फोर, वाई की मात्रा है और एक्स वन एक्स की मात्रा है। और एक दूसरा संयोग है बी, देखिए ए संयोग पर क्या हो रहा है, वाई की मात्रा है ओ वाई वन फोर और एक्स की मात्रा है ओ एक्स वन ये। अब जब वो बी पर हम देखते हैं बी पर, तो बी पर वाई की मात्रा घट के हो जाती है ओ वाई थ्री और एक्स की मात्रा बढ़ के हो जाती है ओ एक्स टू। और दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और देखिए हो क्या रहा है, जब ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहे हैं तो वाई की मात्रा फोर से घट के थ्री हो जा रही है और जितना घटता उसको हम कहते हैं वाई में होने वाला परिवर्तन, उसको डेल्टा वाई कहते हैं। और इधर एक्स की मात्रा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रही है, एक्स वन से बढ़ के ये मात्रा वाई पर बी पर एक्स टू हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु की मात्रा घट रही है और दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर ए और बी पर दोनों पर संतुष्टि बराबर है तो एक्स की जितनी मात्रा घटी है उसके घटने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि में कमी आई है उस कमी को दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ी हुई मात्रा ने पूरा कर दिया है। तो जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो एक वस्तु की मात्रा घट जाती है, उस वस्तु की मात्रा के घटने से उपभोक्ता के संतुष्टि में जो कमी आती है उस कमी को दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाने से वो पूरी हो जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वाई वस्तु के स्थान पर एक्स वस्तु को हमने जब उपयोग में लिया तो जो कमी वाई के कारण हुई थी संतुष्टि में, उसके घटने के कारण एक्स के बढ़ने से वो पूरी हो गई। और इसको कहा जाता है वाई के स्थान पर एक्स को प्रतिस्थापित कर दिया गया और जितनी वाई गिरने से जितनी संतुष्टि घटी थी ठीक उसके बराबर ही एक्स की मात्रा उतनी ली गई जिससे वो संतुष्टि पूरी हो जाए। तो एक तथ्य हम समझ जाएं कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम जाते हैं तो एक वस्तु की मात्रा घटती है, दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु की मात्रा घटी है उसको बढ़ी हुई मात्रा से प्रतिस्थापित किया गया और प्रतिस्थापित करने का यहाँ अर्थ ये है कि उसके संतुष्टि का स्तर जैसे पहले था वैसे ही बना रहा है। तो जितनी मात्रा हम छोड़ते हैं इसमें कहते हैं वाई में परिवर्तन हुआ, जितनी मात्रा एक्स की लेते हैं उसको कहते हैं एक्स में परिवर्तन हुआ, वाई में कमी हुई है एक्स में वृद्धि हुई है, दोनों को हम परिवर्तन कहते हैं, दोनों को डेल्टा से दिखा रहे हैं। और कितनी वाई छोड़ने के बदले कितना एक्स लिया गया इसके अनुपात को यदि हम देखें, उसकी दर को देखें, तो हम उसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं कि कितनी वाई हमने छोड़ी थी और उसके स्थान पर कितना एक्स हमने लिया जिससे उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर जैसे पहले था वैसे ही बरकरार रह गया, मेंटेन रह गया।
तो इस दर का एक नाम है, इस दर को कहते हैं, देखिए ये प्रतिस्थापन की दर है, कितने वाई के बदले कितने एक्स का प्रतिस्थापन किया जा रहा है, इस नाते इसको कहते हैं प्रतिस्थापन का दर है। और क्योंकि अंतिम अंतिम का मतलब जितनी जितनी वाई भोग कर रहा था उसमें से जितना छोड़ता है, अर्थात उसमें सीमांत कमियां, सीमांत परिवर्तन जो हुए हैं, वाई में जो अंतिम इकाई में परिवर्तन हुआ है और एक्स की जो इस इकाई में वृद्धि हुई है, इसको सीमांत परिवर्तन कहते हैं। और इस नाते इन दरों को हम सीमांत दर कहते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है कितनी कमी हुई है, दोनों का अनुपात क्या है, तो इसको कह, और क्योंकि ये प्रतिस्थापन हो रहा है इस नाते हम कहते हैं ये प्रतिस्थापन की दर है। और क्योंकि अंतिम ये वृद्धियां हैं या कमियां जो भी परिवर्तन है उसको हम कहते हैं सीमांत, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है ये, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो एक शब्द नया अनजमान वक्र पर ये आया कि जब हम अनजमान वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो एक वस्तु की मात्रा छोड़ते हैं और दूसरे वस्तु की उतनी मात्रा लेते हैं जिससे उसके संतुष्ट का स्तर पूर्ववत बना रहे, और एक वस्तु की जितनी मात्रा छोड़ते हैं उसके स्थान पर दूसरे वस्तु की जितनी मात्रा लेते हैं, दोनों के अनुपात को हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो हमारे इस चित्र में ये हमने डेल्टा वाई छोड़ा कितना, वाई थ्री वाई फोर, ये वाई की मात्रा छोड़ी हमने और ये एक्स की मात्रा ली है एक्स वन एक्स टू, तो ये प्रतिस्थापन की दर इसे हम यहां कह सकते हैं, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। अगर हम तो प्रतिस्थापन के सीमांत दर हम जान गए, हम यहां अगर इसके यहां होते और यहां से इधर चलते तो हम एक्स की मात्रा छोड़ते और वाई की मात्रा बढ़ाते, तो प्रतिस्थापन की दर इधर से भी निकाली जा सकती, किसी भी एक बिंदु से हम जाएंगे तो एक वस्तु की मात्रा छोड़ेंगे, अगर इधर से छोड़ेंगे तो इतनी छोड़ेंगे, वाई की बढ़ाएंगे तो इतनी बढ़ाएंगे, तो प्रतिस्थापन की दर अगर बी से सी पर जाएंगे तो इतना एक्स बटा इतना वाई होगी, और अगर इधर ए से बी पर जाएंगे तो जितना छोड़ेंगे जितना लेंगे, ये प्रतिस्थापन के सीमांत दर हो। इस चित्र में तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम जान गए ये क्या होती है, और अब हम फिर देखने का प्रयास करेंगे कि यदि उपभोक्ता निरंतर, मतलब एक बार फिर और वाई की मात्रा घटाए और एक्स की मात्रा फिर वो बढ़ाए, तो हम देखें कि क्या जिस प्रकार की सीमांत दर पहले थी वैसे ही अब भी रहेगी या उसमें किसी तरह का परिवर्तन होगा, सीमांत दरों के मान जो हैं वो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। इस स्थिति में यहां पर हम आपको एक ध्यान दिला दें, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्राएं घटाता है तो क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा एक मार्शल वाली विधि में जब हम सीमांत उपयोगिता पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसमें हमने देखा था कि जब हम किसी वस्तु के उत्तरोत्तर इकाइयां उपभोग करते हैं तो अगली इकाइयों की उपयोगिता पिछली इकाइयों की तुलना में घटती जाती है, और इसके कारण भी हम पढ़ डाले हैं। यहाँ इतना हम स्वीकार करते हैं कि जब हम वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयां उपभोग करते हैं तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं घटती जाती हैं। तो अगर सीमांत उपयोगिताएं घटती जा रही हैं, जैसे मैं कहूं कि पहली इकाई से मिली उपयोगिता 10, दूसरी इकाई से मिली 8, तीसरे से मिली 6, चौथी से मिली मान लीजिए 4, ऐसे, तो अगर हम यहां होते मान लीजिए किसी वस्तु की, देखिए किसी वस्तु की मात्रा घटा रहे हैं किसी वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो अगर बढ़ा रहे हैं तो अगली इकाइयों की सीमांत उपयोगिताएं घटती जा रही हैं, और अगर घटा रहे हैं तो चौथी इकाई की उपयोगिता 4 होगी, तो तीसरी इकाई की 6 होगी, दूसरी इकाई की 8 होगी। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु की उपयोगिता मात्राएं बढ़ेंगी तो उनकी सीमांत उपयोगिताएं घटेंगी, और जिस वस्तु की मात्रा घटेगी उसकी सीमांत उपयोगिताएं बढ़ेंगी। तो अब अगर वो करेगा तो सीमांत उपयोगिता के नियम को यहां भी माना जा रहा है और अर्थशास्त्र में सर्वत्र माना जाता है, वहां केवल इतनी कमी उसकी बताई जा रही थी कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता।
लेकिन ये सब स्वीकार करते हैं कि जब हम उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करेंगे तो अगली इकाइयों से जो संतुष्टि मिलेगी वो घटेगी। हम ऐसा महसूस करते हैं, उपभोक्ता ऐसा महसूस करता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं अब कि अगर हम वाई वस्तु की मात्रा को घटाते जाएं और एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाएं, और इसको और बेहतर समझाने के लिए हम जरा यहाँ अंक वाले उदाहरण पर आपको ले जाएं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, इसकी चित्र से मत तुलना करिए, आंकड़ा देखिए यहाँ। इसमें एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वाई की मात्रा 5 है, एक्स की मात्रा 2 है, और फिर वो वाई की मात्रा घटाता है, और देखिए हमने क्रमशः जानबूझकर एक एक इकाई घटाई है, 5 से 4 की, 4 से 3 की, 3 से 1 करी, ताकि तुलना करना हमारे लिए आसान हो जाए। और दूसरी ओर एक्स की मात्रा बढ़ाता है, पहले 2 थी, जब इसकी मात्रा घटाया तो इसकी बढ़ा दिया, 3 कर दिया, जब इसकी मात्रा और घटाया तो इसकी मात्रा और बढ़ा दिया, जब इसकी मात्रा और घटाया तो इसकी मात्रा और बढ़ा दिया, और ऐसा करने से उसके संतुष्टि का स्तर पूर्ववत है, अर्थात ये चारों संयोग एक अनधिमान वक्र पर हैं और सबसे संतुष्टि बराबर मिल रही है। देखिए पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब वाई की एक इकाई छोड़ेगा तो एक्स की एक इकाई बढ़ाया और संतुष्टि पूर्ववत हो गई, मतलब एक इकाई का प्रतिस्थापन एक्स की एक इकाई से हुआ और संतुष्टि का स्तर जैसा ए पे था वैसा बी पे रहेगा। अब पूछा जा रहा फिर कि अगर एक वाई की एक इकाई और छोड़े तो क्या एक्स की एक ही इकाई फिर लेगा? तो यहाँ पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो जाएगा, और ये कहा गया कि पहली बार जब एक इकाई छोड़ा था तो उसके संतुष्टि में जितनी कमी हुई थी अगली बार उससे ज़्यादा कमी होगी, क्योंकि वाई की मात्रा उसके पास घट रही है। जिस वस्तु की मात्रा बढ़ती है उसकी उपयोगिता घटेगी, जिस वस्तु की मात्रा घटती है उसकी सीमांत उपयोगिताएं बढ़ेंगी। तो पहले एक वाई जब छोड़ा था तो उसका पूर्ति एक एक्स से हो गया था, लेकिन अब एक वाई उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा संतुष्ट उपयोगिता प्रदान करने वाली हो गई क्योंकि मात्रा उसकी घट रही है, तो अब एक वाई के लिए अब एक एक्स से उसका काम नहीं चलेगा और वो एक एक्स से ज़्यादा एक्स मांगेगा। और हमने कहा कि इसका मतलब है, हमने कहा कि अगर 2 हो जाए तो यहाँ हमने बढ़ाया 2 इकाई और कहा कि पहले एक वाई के बदले एक एक्स लेता था, अब एक वाई के बदले में एक से ज़्यादा एक्स लेगा, तब जाके संतुष्टि पूर्ववत बनी रह पाएगी, क्योंकि उपभोग के क्षेत्र में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। जिस वस्तु की सीमा मात्रा बढ़ रही है उसकी उपयोगिताएँ घटेगी, जिस वस्तु की मात्रा घट रही है उसकी बढ़ेगी, और इस नाते अब वाई क्योंकि मात्रा घटती जा रही है तो उतनी ही वाई के लिए अब उसको ज़्यादा एक्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर फिर एक वाई छोड़े तो अब पहले से भी ज़्यादा चाहिए, मतलब यहाँ 2 लेने से पूरी हो गई थी, अब उसको 5 से बढ़ा के 8 करना पड़ा, 3 इकाई लिया, तब जाके संतुष्टि का स्तर बराबर हुआ। तो इसकी बराबर मात्राएँ छोड़ेंगे और इसकी हमको बढ़ती हुई मात्राएँ चाहिए, और तब प्रतिस्थापन की दर डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स जो होगा, पहले एक छोड़ा था एक लिया था एक बटा एक हुई, फिर एक छोड़ा था 2 लिया एक बटा 2 हुई, फिर एक छोड़ा था 3 लिया एक बटा 3 हुई। तो इस तरह से ऐसे ही होना चाहिए, और अगर ऐसे ही होगा तो हम कहेंगे कि जब उपभोक्ता अनधिमान वक्र के एक संयुग बिंदु से दूसरे बिंदु पर, दूसरे से तीसरे बिंदु पर जाता है और एक वस्तु की मात्रा को निरंतर घटाता है और दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, तो संतुष्टि के स्तर को बराबर बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई हों, अर्थात वाई की बराबर मात्राओं के लिए एक्स की क्रमशः बढ़ती हुई मात्राएं वो उपभोग करेगा, तभी संतुष्टि बराबर रहेगी। और यदि ऐसा करेगा तो जो प्रतिस्थापन की दरें मिलेंगी वो घटती हुई होंगी, और इसी को कहा जाता है घटती हुई या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम। जैसे वहां मार्शल में कहा जाता था सीमांत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम,
वैसे अनधमान वक्र वाली विधि में उसी तथ्य उसी नियम को एक दूसरे नाम से संबोधित किया गया और इसका नाम हुआ ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम। तो इस प्रकार से अनधिमान वक्र के संदर्भ में भी जो नियम लागू होगा उसका ये नाम है। और हमको इस तरह से यहाँ अंकों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए ताकि स्पष्टता आपको समझ जाए कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का जो अनुपात है वो घटता हुआ है और घटता हुआ रहेगा तभी जाके वक्र पर समान संतुष्टि रह पाएगी। और इस नाते ये नियम है कि अनुमान वक्र के क्षेत्र में भी ये नियम लागू होगा। कौन सा नियम? लाफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम। और जब अंक शो करते हैं अंकों को दिखाते हैं तो पैमाने पर बनना चाहिए और ये हमने पैमाने पर ही इस बिल्कुल यही चित्र यहाँ बना दिया देखिए। लेकिन तब नाप नाप के स्केल पर बनाना पड़ेगा, हम घर में बैठे हैं नाप के बना देंगे आपको समझा देंगे, लेकिन जब इम्तहान में बैठेंगे तो वहाँ टाइम नहीं रहेगा ना नापने का टाइम रहेगा, इस नाते वहाँ पर अंकों का प्रयोग नहीं करते हैं। सारणी भले आप लिख लें लेकिन चित्र बनाते समय अंकों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमारी समझ में तो आ गया है कि वाई की बराबर मात्रा के लिए एक्स की ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो देखिए जरा इस चित्र में ये वक्र जो हमने बनाया है, और जब आप बनाएंगे तो आप भी जान जाएंगे, अगर वक्र को ऐसे ही बना दें और इधर की दूरियां बराबर रख दें तो इधर की दूरी अपने आप बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए जरा ए से बी पर जाते हैं तो एक्स की मात्रा एक्स वन एक्स टू, बी से सी पर जाते हैं तो एक्स टू एक्स थ्री, सी से डी पर जाते हैं तो एक्स थ्री एक्स फोर। इसकी तुलना में ये बड़ा है, इसकी तुलना में ये बड़ा है, जैसे यहाँ था एक दो तीन और ये दूरियाँ बराबर रखी गई हैं, वाई फोर वाई थ्री बराबर है इसके, ये बराबर इसके यहाँ लिखा हुआ है, ये तीनों दूरियाँ बराबर हैं। अर्थात वाई की इतनी मात्रा छोड़ने के पहले हम इतनी मात्रा लेते हैं, फिर उतनी मात्रा छोड़ने के लिए उससे ज़्यादा मात्रा लेते हैं, फिर उतनी मात्रा छोड़ने के लिए उससे और ज़्यादा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ भी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ये है, और ये देखिए है एक्स वन एक्स टू है, ये है वाई थ्री वाई टू, और ये दर है आगे बढ़ के एक्स टू एक्स थ्री, और फिर ये नीचे है वाई वन वाई टू, और ये बढ़ के है एक्स थ्री एक्स फोर। और इसकी तुलना में ये छोटी, इसकी तुलना में ये छोटी, क्योंकि ये तीनों हिस्से बराबर हैं और ये बढ़ते हुए हैं, जैसे एक दो तीन है इसकी तुलना में ये बड़ा, इसकी तुलना में ये बड़ा, और ये दोनों एक जैसे हैं। इस नाते प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ पे घटती हुई है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होनी चाहिए, और उपभोग के क्षेत्र में जब हम अनधिमान वक्रों का प्रयोग करते हैं तो ये दर ये नियम लागू होगा और यही घटती हुई। तो हमने दो चीज़ें जानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती क्या है, दूसरे फिर जाना कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर का एक नियम है और वो नियम ये बताता है कि जब उपभोक्ता एक अनधिमान वक्र पर क्रमशः एक वस्तु की मात्रा छोड़ता और दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो पहले वस्तु की बराबर इकाइयाँ छोड़ने के लिए अगले वस्तु की दूसरे वस्तु की क्रमशः बढ़ती हुई मात्रा चाहिए, और अगर ऐसा हो तभी अनधिमान वक्र पर वो रह पाएगा या संतुष्ट का स्तर समान रह पाएगा, और यदि ऐसा होता है तो प्रतिस्थापन की दरें निरंतर घटती हुई होंगी। और अब एक और अच्छी चीज़ इससे निकल के आएगी, जब प्रतिस्थापन की दरें घटती हुई होंगी तो वक्र ऐसे ही होगा जैसे बना है चित्र में, क्योंकि जब घटती हुई है तो चित्र ऐसे बना, अनधिमान वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता है, दाईं ओर गिरा, लेकिन अभी दाएं तरफ गिरने के कई तरह के वक्र बन सकते हैं, इसमें से हमने एक बनाया। और हम कह रहे हैं कि जब ये वक्र ऐसे है तभी ये दूरियां बढ़ती हुई मिली हैं, अगर ऐसे नहीं होता तो प्रतिस्थापन की दर सीमांत घटती हुई नहीं होगी। तो हम देखें कि इस वक्र का स्वरूप कैसा है। तो इस वक्र का एक नाम है, देखिए नाम क्या है, जब हम लोग चित्र बनाते हैं एस एक्स एच वाई एच तो हम दिखाते हैं एक्स वाई, लेकिन जब वक्र बनाते हैं तो अब वक्र बनाते हैं तो इस वक्र को बताना पड़ता है कि ये वक्र कैसा है। मैं मिटा रहा हूं इसको लेकिन आपको दिखा दूं पहले,
ये एक वक्र यहाँ बना हुआ है, काम हमारा चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ देखिए, नीचे वक्र जो बनेंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए ये भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ वक्र है, ये भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ वक्र है, इसका मतलब ये भी अनुमान वक्र सही है, ये भी अनुमान वक्र सही है। एक वक्र ऐसे भी हो सकता है, ये भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, तो अनुमान वक्र कौन सा होगा? हमने कहा कि ये तो हम प्रूव कर चुके पहला वाला हमारा सही है, क्योंकि इस पर प्रतिस्थापन के सीमांत दर घटती हुई है, और अगर अन्य दोनों को देखें तो उस पर घटती है कि नहीं घटती है, अगर घटती है तो वो भी सही है, नहीं घटती तो गलत है, क्योंकि घटती हुई होना चाहिए। तो इस वक्र पर अगर घटती है तो ये वक्र है कैसा, जरा उसकी प्रकृति हम देख लें। तो वक्र को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि उसको कहां से देख रहे हैं आप, तो जनरली हम यहां से देखेंगे, इसको कहते हैं ओरिजिन केंद्र। तो कहते हैं कि अगर यहां से देखेंगे तो वक्र कैसा लगेगा, तब कहते हैं कि केंद्र की ये उठा हुआ है। देखो ये वक्र अगर ऐसे होता तो इधर से देखोगे तो कहोगे उधर से उठा हुआ है, इधर से देखोगे तो कहेंगे इधर धंसा हुआ है, तो हम इसको केंद्र से देखेंगे। तो हम इसको कहते हैं अनुमान वक्र कैसा है, तो कहते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये जो यहां वो हम लोग लिखते हैं ये ओरिजिन का ही सूचक है, और संयोग से जब अंक दिखाते हैं तो शून्य से शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं ये शून्य है, जनरली इसको ओरिजिन कहते हैं, केंद्र है ये। तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स माने क्या होता है, कन्वेक्स माने होता है यही उठा हुआ, हिंदी में उसको कहते हैं उत्तल, केंद्र की ओर उठा हुआ है, या इसी को कहते हैं केंद्र की ओर उन्नतोदर है। उन्नतोदर में दो शब्द हैं, एक उन्नत है एक उदर है, दोनों जोड़ के उन्नतोदर हो गया, उन्नत माने उठा हुआ, उदर माने पेट। एक ऐसा वक्र जिसका पेट, ये देखिए हम ये पेट जैसे स्थिति है, इसका पेट केंद्र की ओर उठा हुआ है, इसको उन्नतोदर कहते हैं। तो हिंदी में हम उसको उत्तल भी कहते हैं और उन्नतोदर भी कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको कन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जब प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होती हैं तो वो वाला वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर होता है, और क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होनी चाहिए, इसलिए हम कहेंगे कि अनुमान वक्र भी केंद्र की ओर उन्नतोदर होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा लेकिन केंद्र की ओर उठा हुआ होगा। तो कोई आपसे पूछे कि अनुमान वक्र केंद्र की ओर उठा हुआ क्यों होता है, तो बताना पड़ेगा कि ये इसलिए उठा होता है क्योंकि अनुमान वक्र पर प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होनी चाहिए, और केवल उन्नतोदर वक्र पर ही प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होती हैं, इस नाते अनुमान वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर होता है। तो आप कहोगे कि क्यों नतोदर नहीं हो सकता क्या, तो मैंने कहा है कि ये शर्त पूरी होनी चाहिए, y की मात्रा अगर हम बराबर घटाएं तो x की मात्रा बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो जरा देखिए एक वक्र और बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए ये वक्र, ये अगर मैं ऐसे बना दूं, ये ही है नतोदर वक्र, और अगर इस पर बराबर मात्रा में छूट हाथ से खींचूंगा सही तो नहीं आएगी, लेकिन जरा देखिए ये, अगर मैं मानूं कि ये दूरियां बराबर हैं, थोड़ी सी अंतर दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां से जब आप इसको खींचेंगे ऐसे, क्योंकि हाथ से खींचूंगा तो सीधी नहीं आएगी, तो ये टेढ़ा हो गया, इसीलिए बता रहे थे वो संपूर्ण पर बिल्कुल खींचेगी, और जब संपूर्ण पर खींचेगी तो जो स्थितियां आएंगी वो इस तरह से आएंगी। ऐसे जब बनाएंगे तो ये जो वक्र है, ये जो दूरी है, देखिए ये वाली दूरी बड़ी आएगी, ये दूरी इससे छोटी आएगी। हमको क्या चाहिए था,
इसकी तुलना में ये बढ़ना चाहिए था और यहां पर ये घटने लगेगा। तो जब ये वक्र नतोदर होगा इस तरह से होगा, मतलब ऐसे, तब ये दूरियां जो हैं इस पर घटती हुई नजर आएंगी, ये मतलब बसते इधर से बराबर खींची जाएगी तब। तो जब आप सही खींचेंगे तब आएगी। तो यहां पर ऐसे करेंगे अगर, तो देखिए ये दूरी जो आएगी ये ज्यादा आएगी और ये दूरी जो है ये कम आएगी, ये वाली। तो जैसे मैं कहूँ अगर ये दो है और ये एक है और ये एक एक है, तो पहले एक के बदले दो छोड़ेंगे और अगली बार एक के बदले एक छोड़ेंगे, ये आधा होगा एक होगा, ये दर बढ़ जाएगी। इसको घटना चाहिए था, ये बढ़ जाएगी। इस नाते हम कहेंगे प्रतिस्थापन की दर इस पर क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, वर्धमान होगी, और इसे ह्रासमान होना चाहिए था। पहली बार जितनी दर आई थी अगली बार उससे कम होना चाहिए था। तो इस वक्र पर क्योंकि प्रतिस्थापन के सीमांत दरें बढ़ती हुई हैं, इस नाते ये वक्र ऐसा अनजमान वक्र नहीं हो सकता। और एक वक्र ऐसे बन सकता है सीधी रेखा के रूप में ऊपर से नीचे गिरे, और जब सीधी रेखा के रूप में कोई वक्र नीचे गिरेगा तो अगर आप इसको बराबर दूरियां काटेंगे ऐसे, तो दूसरी तरफ भी दूरी बराबर आएगी। मतलब अगर ये सीधी रेखा है और अगर ये दूरी इतनी आएगी ऐसे, तो ये दोनों दूरियां बराबर आएंगी। अगर ये एक आएगी तो ये भी एक आएगी, अगर ये एक है ये एक है तो ये भी दोनों एक ही होंगी। होना क्या चाहिए था, अगर ये एक है तो ये एक से ज्यादा होना।